जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ का प्रति मैं कहीं की बाहुई हूँ आसंतु जानवा ये विषय कि रहस्य रही। हजार हजार वर्ष पूर्वे प्रभु विष्णु जड़े महान भक्त राजा इंद्रदुम्ना प्रभु को मुहांमुही देखा इच्छा करते से भगवान विष्णु नीलमाधव अवतार बोली खबर पाई जे कि पूजारी को कही से राजा इंद्रदुम्न द्वारा राजकीय शैली में पूजा पाइबा को चाहती। राजा पहुँचवा पर देवता अदृश्य हो गले। आकाश रे एक स्वर राजा को घोषणा कला जे से नील पहाड़ पर एक मंदिर निर्माण करती प्रभु सेठे एक काठ रूप से निजक प्रकाश करें। यही आदेश अनुजाई राजा इंद्रदुम्ना मंदिर निर्माण कर यार चारिप्रकार रामकृष्ण नामक एक स्वर प्रतिष्ठा कर इच्छा थी भगवान ब्रह्मा को भेटापी तेणु से ब्रह्मलोक यात्रा करते कि ब्रह्मलोक उपर समय विनियवर इंद्रदुम्ना पृथ्वी को फेर बेलू अनेक शताब्दी अतिवाहित हो मंदिर को बालुकारे पोति पड़ा। इंद्रदुम्ना चली जावा पर दुई राजा राजत करते द्वितीय राजा गाला माधव शासन काल में मंदिर खोल जाता। जोबले राजा इंद्रदुम्ना दावी करते से यही मंदिर को निर्माण कर कथा को विश्वास कले तेब सेठार एक भूषणी नामक काउला जी कि अनेक वर्ष धरी मंदिर निकट एक बरगछर रोला काउटी मंदिर निर्माण उपर नजर रखी। भूषणी नामक काऊ राजा यही मंदिर बनई सबकि यापर इंद्रदुम्ना मंदिर को पवित्र करने भगवान ब्रह्मा को प्रार्थना करते कि मना भगवान ब्रह्मा मना कर दे। इंद्रदुम्ना अशांति हो गले धैर्य हताश होगा पर्यंत से अपेक्षा करते। इंद्रदुम्ना उपवास कर निज जीवन त्याग करने को चाहते। तापर प्रभु जगन्नाथ एक स्वप्न देखा दे कहले जे मोर प्रिय राजा तुमर चिंता त्याग कर आसंता काली मु बांकी मुहान नामक स्थान काठ आकार दारुब्रह्म परी मु समुद्र में भासमान हो आसवि। पर दिन एक आनंदित कीर्तन मध्य दारुब्रह्म सुवर्ण कूल दुआगला एवं एक रथरे राजा इंद्रदुम्न को निकट को अणगला। राजा अनेक बड़ बड़ मूर्तिगढ़ कारीगर मान को डाकिले किंतु से मधर कई दारुब्रह्म को छुई पारे ना से कूराटी को काठरे छुईवा मात्रे कूराटी सब अनेक भांगी गला। जन कलाकार जी निजक अनंत महारण भाव में परिचित करते भाषमान काठ खंड गुड़िकर देवता खोदई करने को प्रस्ताव देते। केतक कहवा अनुजाई यही अनंत महाराणा निजे प्रभु थे अन्य कहते सी हूँ विश्वकर्मा जे प्रभु सेवा करने को आसी। विश्वकर्मा प्रतिश्रुति देवता मैंने एक दिन में प्रस्तुत हो जाए जदि से ताला पड़ा कबाट पचर एक कम करें। चौदह दिन में राजा आशा चिंतार परिणत है कारण से आ कलाकार उपकरण गुड़िकर शब्द शुणीपारे ना तेणु से ताला पड़ा कबाट को खोली। दारुब्रह्म वर्तमान तीन टी रूप जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र। राजा निकटतर हो देखले जे
ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ କାରିଗର ସେ ଘର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ରହିଲା। ଆଜି ବି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଦାରୁ ଅର୍ଥ କାଠ, ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅସୀମ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। Don't forget to like